हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत मामले में परिजनों ने 3 दिनों के अल्टीमेटम के बाद आज हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में अस्पताल व दूसरी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वही उक्त घटना के दिन पुलिस अधिकारी द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और पिस्तौल दिखाने पर कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत मामले में परिजनों ने 3 दिनों के अल्टीमेटम के बाद आज हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में अस्पताल व दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं उक्त घटना के दिन पुलिस अधिकारी द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और पिस्तौल दिखाने पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने के लिए मृतक के पति के साथ मायके व ससुराल पक्ष के सदस्यों के अलावा जिला परिषद सदस्य डिंपल शर्मा, 2 पंचायतों के प्रधान व जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती मौजूद रहे। उपायुक्त हमीरपुर ने लोगों को 3 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई की जांच करने व अस्पताल के खिलाफ मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही। उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय पहुंचे लोगों ने प्रशासन के द्वारा की जा रही जांच को निष्पक्ष ढंग से करने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो लोग जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। ब्रालड़ी पंचायत के प्रधान अमनदीप ने कहा कि जिला प्रशासन को अस्पताल व दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। रखा हमने बोला भाई हमारी जो बेटी बेटी के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया हुआ है वो अच्छा नहीं है, और आज हमारी बेटी के साथ किया, कल को कहीं किसी और की बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया जाए जिससे उसकी जान चली जाए। और हमारी बेटी को यहाँ से रेफर करके जब टांडा ले जाया गया तो टांडा में उनके साथ कोई भी लेडीज नर्स या कोई भी डॉक्टर नहीं गया, और वहाँ डेड बॉडी पहुँचा के उसके बाद उन्होंने बोला भी यहाँ रेफर करवा, इवन के वो मर चुके थे, 4 घंटे पहले मर चुके थे, टंडा वालों ने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया। अब हमने ऐसा बोला भी कमेटी ऐसी बनाओ जिससे पब्लिक भी शांत हो जाए और हमें भी निष्पक्ष आपकी जांच करने का पता लग जाए, आपने निष्पक्ष जांच करी है। अभी डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है भी 3 दिन के अंदर अंदर में ये जो ये सचो की रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं उनसे बात करके आपको क्लियर करता हूँ। और सीएमओ साहब ने भी बोला भी दो हफ्ते तक टाइम दिया हमें, उसके बाद हम फिर मुख्यमंत्री के पास खुद जाएंगे और वहां जाके उनको बताएंगे वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया हुआ है किस चीज के लिए चलाया हुआ है। जब हमारी बेटियों की बहुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्यों ऐसे पब्लिक को क्यों ऐसे उसमें डाल रहे हैं। यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट थी सर, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। टाइम पीरियड के दौरान 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अगर कुछ और हो गया तो फिर हम धरना देने के लिए तैयार है। और जिस एसएचओ साहब ने हमारे पब्लिक के ऊपर जो रिवॉल्वर था ना वो भी हमें मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए कि मेरी पब्लिक क्या कर रही थी। मृतिका के पति अरुण शर्मा ने कहा कि अस्पताल के गलत रवैये के कारण सारी घटना हुई है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। आज हम डीसी साहब के पास आए थे, जो पिछले हफ्ते आस्था हॉस्पिटल में एक केस हुआ था उसके लिए कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाएंगे। सबसे पहले तो एसएचओ ने जब हम डेड बॉडी लेके आ रहे थे तो उसके लिए हमें 3 दिन का टाइम देंगे, 3 दिन में उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, और बाकी जो डेथ का केस है वो 14 दिन के अंदर अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके साथ ही पूरा हम क्लियर कर देंगे। अस्पताल के खिलाफ भी हाँ अस्पताल के खिलाफ भी मांग की, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। भंडेरा पंचायत के प्रधान ने कहा कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने लोगों को 3 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई की जांच करने व अस्पताल के खिलाफ मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
हाँ सर, हम हाँ जी, हम डीसी साहब से मिलने आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष जांच हो, और उन्होंने हमें किया वादा किया हमसे कि 3 दिन के अंदर जो है कि आपको क्या मामला क्या था, किस मामले की जांच कर रहे हैं सर? ये हमारी बहू ना अध्यापक हमारे डुडाना स्कूल से वो रसौली का ऑपरेशन करवाने आई थी आस्था हॉस्पिटल में 7 तारीख को, और उन्होंने पता नहीं क्या ऑपरेशन के वक्त पता नहीं क्या कर दिया और उसकी मौत हो गई, और मौत उसकी मौत के यही हो गई, और उसको टांडा रेफर कर दिया अब इसकी, और फिर से धरना देने को मजबूर होना पड़ेगा हमें, और मुख्यमंत्री को भी हम इसकी भेजेंगे, पत्र भेजेंगे, हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे इसके बारे में। और ये जन आंदोलन चला रहेगा, मेरा पुलिस पे भी हमें संदेह है, जैसे कि पुलिस वाले ने हमारी जनता के साथ व्यवहार किया नाल्टी में, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में सीबीआई की जांच हो। वहीं इस मामले में एसपी अर्जित सेन ने कहा कि पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर ली है और अभी मृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर एक्सपर्ट रिपोर्ट देने को भी कहा है। अभी कोई भी कंक्लूसिव मतलब ओपिनियन जो है विदहोल्ड किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, उसमें अभी 2 टेस्ट और आने हैं और उसकी वेट हो रही है। इसके अलावा हम जो ये केस है, इस केस में हमने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के धाराएं भी जोड़ दी हैं और इसमें अन्वेषण जारी। लोग मेरी जानकारी के अनुसार कुछ लोग DC साहब से मिले हैं आज और उन्होंने एक ज्ञापन उनको सौंपा है जिसमें उन्होंने शायद CBI की द्वारा जांच की जाने की मांग की है। इस केस में हमने अभी तक जो है सारा ऑफिस का जो भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है वो अपने पास रख लिया है। हमने CMO साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इसकी इंक्वायरी, क्योंकि मेडिकल नेगलिजेंस का मामला है इसलिए पुलिस या पुलिस का IO जो है इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, एक तरह से ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर्स के द्वारा एक प्रिपेयर की जाएगी। CMO साहब ने एक गठित कर ली है ये कमेटी, उस कमेटी से मेडिकल नेगलिजेंस, क्योंकि ये मेडिकल मामला है, मेडिकल का मामला है इसलिए डॉक्टर्स ही इसको एनालाइज करेंगे, सरकारी डॉक्टर्स जो है इनको एनालाइज करने के बाद जब हमको रिपोर्ट देंगे उससे भी उसको भी हम अपने चार्जशीट का हिस्सा बनाएंगे और हमारा केस इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा। बाकी इसमें अभी अन्वेषण जारी है और हमको जैसे ही ये रिपोर्ट भी मिलेगी उसको भी हम इसका हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह से हमारे कंसिडर किया जा सकता है और एक अच्छा एविडेंस बनेगा कोर्ट में जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ। आपको बता दें कि डगो गांव की 38 साल की अंकिता रसोली का इलाज निजी अस्पताल पक्का भरोसे करवा रही थी और ऑपरेशन के समय डॉक्टर के द्वारा गलत नस को काट दिए जाने पर अंकिता की मौत हो गई।